हत्या के इस वारदात को पुनाई चक के इसी गली में अंजाम दिया गया है। वो जो आप देख रहे हैं अपार्टमेंट, उसी अपार्टमेंट में रुपेश अपने परिवार के साथ रहते थे, जबकि इस गली में 4 अपार्टमेंट हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी अपार्टमेंट का कैमरा ऑन नहीं था और जहां ऑन था वहां पे वो तस्वीरें नहीं आई हैं। खास बात यह है कि हमलावरों ने पहले रेकी की थी, उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दी थी, क्योंकि यह गली इस अपार्टमेंट के बाद जहां रुपेश का अपार्टमेंट है उसके बाद वो बंद हो जाती है, और अपराधी जो हमलावर थे घटना को अंजाम देने के बाद इसी रास्ते भागे भी थे। लेकिन किसी भी कैमरे में उनकी तस्वीरें नहीं आई है, लेकिन यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक कैमरा है जिसमें कि एक तस्वीर आई थी जिसमें बाइक सवार 4 अपराधी देखते हैं जो 2 बाइक पर सवार थे और उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी। लेकिन इस घटना के बाद वो आराम से यहाँ से भाग निकले हैं, और ख़ास बात ये भी है कि उन लोगों ने जिस तरीके से रेकी की थी उन्हें पूरी तरह पता था कि रुपेश कब जाते हैं दफ्तर और कब आते हैं। और जब घटना को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे उस वक्त अपार्टमेंट का जो गार्ड है वो नहीं था, उसकी पत्नी थी ऊपर। लेकिन हमलावरों को इस बात का भी अंदाजा था कि कितनी देर तक रुपेश की गाड़ी यहाँ टर्निंग पे मुड़ेगी और कितना देर एक गार्ड को गेट को खोलने में लगेगा, क्योंकि जितना देर एक गार्ड को गेट खोलने में लगता उतनी ही देर में पूरी वारदात को अंजाम देकर वो भाग खड़े हुए थे। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।